सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसे दूसरों से नफरत करने में गवा दिया जाए। आज का पंचांग 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 1:48 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 9:14 से 10:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। धनुराशि 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार, एक रास्ता आपको अच्छी नहीं लगती, इससे आप बोर अनुभव करते हैं। आज आप काफी खुश और फ्लर्ट वाले मूड में होंगे। अपनी दिनचर्या बदलें, इसमें फिटनेस को जगह दें, किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार के वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। ऑफिस में नई पहचान बनने की कुल मिलाकर दिन हल्का फुल्का गुजरेगा, काम कम रहेगा, आप सकारात्मकता के स्रोत बने रहेंगे। अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाकर रखें, इससे सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बावजूद मन में उत्पन्न हो रही चंचलता के कारण गलत निर्णय लिए जाते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। पार्टनर और आपके बीच चल रहे विवाद या चर्चा में अन्य लोग शामिल न हो, इस बात का ध्यान रखें। जो निर्णय आपने तय किया है उसे हर हालात में वास्तविकता का रूप देना है, तभी बड़े टारगेट को हासिल किया जाएगा। काम संबंधी जो भी बातों में रुकावट महसूस हो रही है वह दूर होगी और अपेक्षा के अनुसार आर्थिक लाभ भी मिलेगा। पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, इस बात को समझें। सर दर्द और बुखार गलत खान पान की वजह से होने की भी संभावना है। सावधानियां, ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास भी रखना जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर नुकसान कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित रखें, क्योंकि समय व्यर्थ होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय आपको अपने संबंधों में एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को भी देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं और इसे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। इस समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसले ले सकें। बात करते हैं करियर की। यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जाँच करें। आपको नौकरी से संबंध में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। हालांकि पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आपको आज मिल सकती है। यह निवेश के किसी भी प्रकार के लिए एक शुभ दिन है। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सौदे के लिए भी अनुकूल है। आपको घर और बाहर खुशखबरी मिलने से आपके चारों ओर का वातावरण भी अच्छा रह सकता है। बिजनेस को लेकर आप कुछ नए प्रयास करेंगे जिनमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपको किसी प्रॉपर्टी संबंधी डील को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अपने आर्थिक स्थिति पर पूरा ध्यान देंगे। बात करते हैं सेहत की। बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है। यह सब खुद ही संभाल लेंगे। दिखाई ना दे रही लक्षणों को समझने की कोशिश करें, इससे आपको बीमारी की जड़ तक पहुंचने और उसका पता लगाने में मदद मिलेगी।
इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे भी दूर हो जाएगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, काली चीजों का आज गरीबों को दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।